हाय गाइस, वेलकम टू त्याल एकेडमी। इस वीडियो में हम इंग्लिश ए एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लेटेस्ट ऑफलाइन मोड में जो क्वेश्चन पेपर आया है, ये वो है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि पिछले एक या दो और क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। गाइज, ये समझने से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। और इस बार जो ऑफलाइन मोड में जो क्वेश्चन पेपर आया है, जो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये पहले जो क्वेश्चन पेपर्स आते थे उनसे कैसे अलग है। तो डिस्कस करने से पहले आप पैटर्न पहले देख लीजिए। सो गाइज, इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है। और मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स कौन सा है इस बार, तो आप अपनी फी रिसीप डाउनलोड कीजिए। उसमें क्लियरली मेंशनड होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अब तक कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी AECC पेपर कौन सा है। कुछ बच्चे AECC में इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन लेते हैं, कईयों के पास एनवायरमेंटल साइंस होता है, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं और सेकंड सेमेस्टर में उनका AECC पेपर कुछ और होता है। तो अगर आपके पास इस सेमेस्टर में, यानी अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं और इस सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश AECC पेपर है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, आप देखिए इसमें लिखा है, स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए एंड 3 फ्रॉम पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग गिवन है, और पार्ट ए में जितने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उनमें से कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये देखिए, इसमें पार्ट ए में 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड दे कैरी 10 मार्क्स ईच, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं। सिमिलरली पार्ट बी में एक अनसीन पैसेज गिवन है। आई एम श्योर ये पैसेज आपकी बुक में नहीं होगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अनसीन पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आंसर करने की। और इस पे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, आपको इनमें से कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं। ऊपर देखिए, स्टूडेंट्स विल आंसर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए एंड 3 फ्रॉम पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो 3 क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है कि 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और पार्ट ए में जो कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन की वेटेज है 10 मार्क्स। तो गाइस, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले हम इससे और पिछला एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो ऑफलाइन मोड में मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है, वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। लेकिन इससे जो पुराने हैं, देखिए www.dayalacademy.in, वहाँ पे आप चूज़ करें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसके बाद जो आप कोर्स कर रहे हैं। हालांकि ये जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश AECC, ये काफ़ी कोर्सेज में कॉमन होता है। तो अगर आप BA प्रोग्राम के अलावा कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे मैंने पहले बोला, कुछ स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट सेम में लेते हैं, कुछ सेकंड सेम में। आप दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे, आपको ये इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। हम क्लिक करेंगे सेकंड सेमेस्टर में और इसके हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। बाकी के क्वेश्चन पेपर्स जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आप पेपर की कैटेगरी देखिए, ये AECC पेपर है, तो आप वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इंग्लिश कहाँ पर है, ये देखिए इंग्लिश ए में 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम दोनों ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न वो होगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया, क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए और पार्ट बी, इसकी ज़्यादा संभावना है। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये 2021 का है, पुराना नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस, इसमें एक पैसेज गिवन है स्ट्रेट अवे, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक पैसेज गिवन है। आई एम श्योर ये भी पैसेज आपकी बुक में नहीं होगा, अनसीन पैसेज है, और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस गिवन है। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस नीचे गिवन है वो सारे इस पैसेज पर बेस्ड हैं। तो गाइज, दिस इज़ अ पैसेज फ्रॉम ओम प्रकाश वाल्मीकिज़ झूठन, एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप इन अ विलेज एज अ दलित इन द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ 1950s।
Valmiki is an engineer by profession and he started writing his memoir in 1974. The passage shuru hota hai yahan se. It says, "Frightened, I picked up the three-day-old broom. Just like me, it was shedding its dried-up leaves. All that remained were the thin sticks. Tears were falling from my eyes. I started to sweep the compound while my tears fell." तो गाइज हो सकता है आपने ये पैसेज कहीं पहले पढ़ा हो किसी बुक में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप इसको समझें। देखिए, इसमें जो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं और तीन दिन पुराना झाड़ू उन्होंने उठाया, ठीक है। अब झाड़ू कैसा है उसको समझिए। उसमें लिखा है कि मेरी तरह उसने भी अपनी लीव्स जो थी वो शेड करनी शुरू कर दी थी। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये झाड़ू वैसा नहीं है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल जैसे पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उसे इकट्ठा करके, कंबाइन करके कोई झाड़ू बनाया गया था, ठीक है। अब उसमें क्या है, पत्तियाँ झड़ गई हैं, अब उसमें सिर्फ थिन स्टिक्स बची हैं और ऑथर जो है, नरेटर जो है, वो रो रहे हैं। लिखा है, "Tears were falling from my eyes and I started to sweep the compound while my tears fell." यानी झाड़ू लगाते लगाते जो नरेटर है वो रो रहे हैं। फिर भी कहते हैं, "From the doors and windows of the school rooms, the eyes of the teachers and the boys saw the spectacle. Each pore of my body was submerged in an abyss of anguish." यानी दरवाज़ों और खिड़कियों से जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं वो एक इस स्पेक्टिकल यानी इस नज़ारे या तमाशे को देख रहे हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो नरेटर हैं वो एक स्टूडेंट हैं और फॉर सम रीज़न उन्हें झाड़ू लगाने के लिए बोला गया है और ये एक स्कूल की बात हो रही है। स्कूल में अपेरेंटली पढ़ाई चल रही है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नरेटर है वो झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। ईच पोर ऑफ माई बॉडी, यानी उनके जो बॉडी के पोर्स हैं, ऐसा लगता था कि उनमें एक abyss of anguish है। abyss होता है guys, a very deep hole that seems to have no bottom, ठीक है। तो आप समझिए कि उनकी क्या हालत है इस समय, ठीक है। Just then my father passed by the school, यानी उनके पिताजी वहाँ से जा रहे थे। He stopped abruptly when he saw me sweeping the school compound. उन्होंने देखा कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है तो उन्हें बुलाया। He called me, "Munshi ji, what are you doing?" मुंशी जी वॉज अ पेट नेम माई फादर हैड गिवन मी। यानी प्यार से उन्हें उनके पिताजी मुंशी जी बुलाते थे। जब उन्हें देखा कि वे झाड़ू लगा रहे हैं तो उन्हें बोला, "मुंशी जी, आप क्या कर रहे हैं?" सो व्हेन आई सॉ हिम, जब नरेटर अपने पिताजी को देखते हैं तो वो एकदम से रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। ही एंटर्ड द स्कूल कंपाउंड एंड केम टुवर्ड्स मी। पिताजी अंदर आते हैं और उन्हें रोता हुए देखकर पूछते हैं, "मुंशी जी, आप क्यों रो रहे हैं? बताइए क्या हुआ है?" फिर नरेटर कहते हैं, "आई वॉज हिकअपिंग बाई नाउ, इन बिटवीन माई हिकअप्स आई टोल्ड द होल स्टोरी टू माई फादर दैट द टीचर हैड बीन मेकिंग मी स्वीप फॉर द लास्ट थ्री डेज दैट डिड नॉट लेट मी एंटर द क्लासरूम एट ऑल." तो गाइज आपको सेटिंग कन्फर्म हो गई है, कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है, ठीक है, कि जो टीचर हैं उन्होंने इनको लास्ट तीन दिनों से बोला था कि वो झाड़ू लगाएं, उन्हें क्लासरूम में एंटर नहीं करने दिया। And then he says, "Pitaji snatched the broom from my hand and threw it away. His eyes were blazing." Obviously, पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने झाड़ू पकड़ा और फेंक दिया और उनकी आंखें एकदम लाल थी। फिर वो कहते हैं, "पिताजी, who was always as taut as a bowstring in front of others, was so angry that his dense mustache was fluttering. He began to scream, 'Who is that teacher who forces my son to sweep the school?'" So guys, bowstring होती है धनुष की डोरी और taut का मीनिंग यहाँ पे है showing that you are anxious or tense. तो वो नरेटर बताते हैं कि मेरे पिताजी जो हमेशा ऐसे होते थे दूसरों के सामने, यानी हमेशा उन्हें एंग्जाइटी या टेंशन होती थी, सडनली आज उनमें इतना गुस्सा आया कि उनकी जो मूछें हैं वो गुस्से में फड़फड़ाने लगी, ठीक है। और उन्होंने ज़ोर से चलाते हुए बोला कि ये कौन टीचर हैं जो मेरे बेटे को फोर्स कर रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए, स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए। पिताजीज वॉइस एकोड थ्रू द होल स्कूल, उनकी आवाज़ गूंजने लगी। ऑल द टीचर्स इंक्लूडिंग द हेडमास्टर केम आउट। कालीराम द हेडमास्टर थ्रेटन्ड माय फादर एंड कॉल्ड हिम नेम्स।
बट हिज थ्रेट्स हैव नो इफेक्ट ऑन पिताजी। तो सभी टीचर्स बाहर आए, हेडमास्टर जो हैं कालीराम वे भी बाहर आए, उन्होंने उनके फादर को धमकाना शुरू किया, उन्हें बुरा भला बोला, लेकिन उनसे उनके कहने से उनके पिताजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऑथर कहते हैं, आई हैव नेवर फॉरगॉटन द करेज एंड फोर्टिट्यूड विद विच माई फादर कन्फ्रंटेड द हेडमास्टर दैट डे। यानी उनके पिताजी ने जो करेज दिखाई है, जो धैर्य सहन शक्ति उस दिन उन्होंने दिखाई, उस जिस सहन शक्ति या धैर्य और करेज के साथ उन्होंने हेडमास्टर को फेस किया उस दिन, बजाय कि डरने से, वो नरेटर जो हैं कभी भूल नहीं पाए हैं। फिर आगे कहते हैं, पिताजी हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वीकनेसेस, कमजोरियां थी, लेकिन जो उन्होंने डिसाइसिव टर्न लिया उस दिन और मेरे फ्यूचर पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो बताते हैं कि मेरी पर्सनालिटी उस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो हमेशा ऐसे रहते थे सभी के सामने एंशियस या टेंस, उस दिन जो उन्होंने करेज, जो बोल्डनेस दिखाई है, हेडमास्टर की धमकियों से डरे नहीं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ऑथर की ज़िंदगी में और उनकी पर्सनालिटी में। पिताजी took my hand and started walking towards our home. तो हाथ से पकड़ा उन्हें और घर की तरफ चल दिए। As he walked away, he said loudly enough for the headmaster to hear, "You are a teacher, so I'm leaving now. But remember this, master, this Dalit boy will study right here in this school. And not just him, but there will be more coming after him." तो ये देखिए उनकी करेज है बोलने से। वो चलाते हुए बोलते हैं ताकि हेडमास्टर सुन सके। वो कहते हैं, आप टीचर हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा मास्टर जी, ये जो लड़का है यानी दलित बॉय है, तो यहाँ से आपको पता लगता है स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट कि उन्हें क्यों फोर्स किया जा रहा था झाड़ू लगाने के लिए, जबकि बाकी बच्चे पढ़ रहे थे। क्योंकि जो नरेटर हैं वाल्मीकि, अगर आपको इनके बारे में पहले से नहीं पता था, ठीक है, तो ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने लिटरेचर में ये चीज़ मेंशन की है, दलित कॉन्शियसनेस, दलित चेतना। तो अगर आपको नहीं पता तो अनसीन पैसेज पढ़ के गाइस, आपको आंसर्स लिखने की क्षमता आप में होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट। तो वो कहते हैं कि ये यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा मेरा लड़का, और यही नहीं और भी इसके पीछे पीछे आएंगे। यानी दलित्स को अगर आप नहीं पढ़ने दे रहे हो, अगर उनसे झाड़ू लगवाते हो स्कूल में, आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये वापस आएगा और यहीं पढ़ेगा और इसके साथ के और लड़के भी यहाँ पढ़ेंगे। तो गाइज, ये था अनसीन पैसेज। अगर आपको ये समझ में आ गया है, आंसर्स आप बहुत इजीली खुद लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नरेटर जो है वो रो क्यों रहे हैं, इन टीयर्स क्यों हैं। बी पार्ट है, नरेटर के फादर गुस्से में क्यों हैं, ठीक है। और सी पार्ट है, जब नरेटर के फादर चिल्लाने लगते हैं तो क्या होता है। जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, वो ज़ोर से बोलते हैं ना कि ये कौन सा टीचर है जो मेरे बेटे को झाड़ू लगाने के लिए फोर्स कर रहा है, उस क्या होता है। और स्कूल अथॉरिटीज़ का जो रिएक्शन है, उससे हमें क्या पता लगता है, ठीक है। यानी आप ये बता सकते हैं कि उनकी क्या माइंडसेट है, क्या उनकी सोच है। फिर है डी पार्ट में लिखा है, दिस दलित बॉय विल स्टडी राइट हियर इन द स्कूल। डू यू थिंक पिताजी वो सक्सेसफुल इन हिज प्रॉमिस। विच सेंटेंस इन द पैसेज रिफ्लेक्ट हाउ द नरेटर चेंज्ड आफ्टर दैट डे। क्वेश्चन ये है कि जब उनके पिताजी बोलते हैं कि ये दलित बॉय मेरा लड़का यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, क्या आपको लगता है, हालांकि ये पैसेज में क्लियरली मेंशन नहीं है, अगर आप वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुके हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता, इसमें एक लाइन है पैसेज में जिस लाइन से आपको पता लगता है कि वाकई में उनके पिताजी सक्सेसफुल रहे थे। तो इसमें आप जो लाइन देख रहे हैं, डिसाइसिव टर्न, पिताजी हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वीकनेसेस बट द डिसाइसिव टर्न दैट ही गेव माई फ्यूचर दैट डे has had a great impact on my personality. And even the sentence written above, where he says, I have never forgotten the courage and fortitude with which my father confronted the headmaster that day. तो यहीं से पता लगता है जो क्वेश्चन में पूछा है। गाइज, ई पार्ट में आपको पैराफ्रेज करना है, क्वेश्चन की जो वेटेज है 8.75 मार्क्स देख लीजिए, उसके हिसाब से लिखिएगा। पैराफ्रेजिंग में मैं फटाफट बता दूँ आपको कि आप समरी नहीं लिखेंगे,
यहाँ पे समरी लिखने के लिए नहीं बोला है, पैराफ्रेजिंग करनी है, यानी अपने शब्दों में आपको पूरा ये पैसेज है वो दोबारा लिखना है। वर्ड्स आपके होंगे लेकिन कंटेंट जो है वो सेम रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको रीवर्डिंग करनी है, अपने शब्दों में लिखेंगे लेकिन जो ओरिजिनलिटी है एक्सप्रेशन की वो रहनी चाहिए, और जो प्रिजर्वेशन ऑफ कंटेंट है वो भी रहना चाहिए। आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अपने वर्ड्स में आप पूरा ये दोबारा लिखेंगे। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट इंस्टेड ऑफ इंसल्टिंग पिताजी, कालीराम द हेडमास्टर हैड कॉल्ड पिताजी टू हिज रूम टू टॉक टू हिम अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज सन। Write a dialogue between Pitaji and Kali Ram in which they talk about the right of Dalit children to be educated. तो यहाँ पे ये given है कि मान लीजिए कि जो headmaster हैं Kali Ram, imagine करिए कि वो narrator के पिताजी को insult नहीं करते हैं, धमकियाँ नहीं देते हैं, और instead अगर उनको मान लीजिए बुला लेते हैं अपने कमरे में discuss करने के लिए कि हाँ जी क्या हुआ था उनके बेटे के साथ। मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो इसमें अब आपको डायलॉग राइटिंग करनी है, पिताजी और कालीराम जो हेडमास्टर हैं उनके बीच में डायलॉग्स लिखने हैं, और किस बारे में लिखना है, राइट ऑफ दलित चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड। तो गाइस पैसेज पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली बिकॉज द नैरेटर बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, ही वॉज आस्क्ड और ही वॉज रादर फोर्स्ड टू स्वीप द इंटायर स्कूल कंपाउंड, हालांकि बाकी बच्चे उस समय पढ़ रहे थे। तो गाइस डायलॉग राइटिंग में आप क्या लिखेंगे, पिताजी और कालीराम के बीच में संवाद डायलॉग्स हो रहे हैं, ठीक है, पिताजी कुछ बोलेंगे उसके बाद कालीराम जो हेडमास्टर हैं। तो ऐसे जनरली कहा जाता है कि इन सच केसेस पहले तो आपको वर्ड लिमिट देखने चाहिए, फिर आपको मार्क्स देखने चाहिए कि इस क्वेश्चन की कितनी वेटेज है, और जनरली बोला जाता है कि 10 डायलॉग्स पर पर्सन अगर आप लिख देना, इन टोटल अगर आप 20 डायलॉग्स लिखते हैं जिसमें 10 पिताजी के हैं और 10 कालीराम के हैं, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप वर्ड लिमिट भी फॉलो कीजिएगा, और ये बहुत शॉर्ट डायलॉग्स नहीं लिखिएगा जिसमें सिर्फ वन वर्ड है, जैसे येस नो मे बी, है ना, कम से कम एक लाइन लिखनी चाहिए तभी वो डायलॉग माना जाएगा। हाँ, इन सम सर्कमस्टांसेस वन या टू वर्ड्स का एक डायलॉग हो सकता है, और इतना लेंदी भी नहीं होना चाहिए कि आपका एक डायलॉग जो है एक पैराग्राफ काफ़ी बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इसमें आपको इमेजिन करना है और डायलॉग्स में क्या लिखना है, टॉपिक ये होना चाहिए द राइट ऑफ दलित चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड। गाइस थर्ड क्वेश्चन देखिए, इट्स हैज ओम प्रकाश वाल्मीकि द ऑथर ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट गोज ऑन टू कंप्लीट हिज एजुकेशन एंड बिकम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, राइट अ पब्लिक स्पीच that he gives to a gathering of school headmasters and teachers in which he talks about his experiences as a young Dalit student and stresses on the need for change in educators and social attitude. So guys, I'm pretty much sure ke public speech ke baare mein aapke study material mein content diya hua hai, theek hai, lekin yahan pe aapko application based question diya hai, aapko ek speech likhni hai। जो नरेटर हैं ने स्कूल के दिनों की बातें बताई हैं उन्होंने अभी अनसीन पैसेज में, तो यहाँ पे मान लीजिए जब वो बड़े हो जाते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं बाय प्रोफेशन, और एक पब्लिक स्पीच देते हैं, किसको देते हैं, एक गैदरिंग है, सभा है, किसकी है, स्कूल हेडमास्टर्स एंड टीचर्स की, और उस पब्लिक स्पीच में वो क्या बोलते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि जब वो एक यंग दलित स्टूडेंट थे उन पर क्या बीती, जैसा अभी आपने ऊपर देखा कि पढ़ाई के बजाय उन्हें क्या करने के लिए बोला गया, है ना, लगातार 3 दिनों तक उन्हें बोला गया कि झाड़ू लगाओ, एंड स्ट्रेसेस, और वो स्ट्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि जो एजुकेटर हैं यानी जो पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स हैं उनके एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, और जो सोशल एटीट्यूड है कि दलित कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने ना दिया जाना ये गलत है, ठीक है, तो उस पर उन वे एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। तो गाइस पब्लिक स्पीच का फॉर्मेट आपको पता होगा, ये क्वेश्चन पब्लिक स्पीच पर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू आर अ जर्नलिस्ट एंड हैव बीन सेंट बाय योर न्यूज़पेपर टू डू अ स्टिंग ऑपरेशन ऑन रूरल स्कूल्स एंड यू सी अ यंग स्टूडेंट क्राइंग एंड स्वीपिंग द स्कूल। मान लीजिए आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपको आपके न्यूज़पेपर ने भेजा है कि आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए रूरल स्कूल्स में, विलेजेस में जो स्कूल्स हैं, और आप देखते हैं कि एक यंग स्टूडेंट रो रहा है और झाड़ू लगा रहा है।
तो वंस अगेन जो कॉन्टेक्स्ट है वो अनसीन पैसेज का ही है, ठीक है। मान लीजिए अभी जो हम ये अनसीन पैसेज पढ़ रहे थे जहाँ पे नरेटर झाड़ू लगा रहे थे और एकदम से आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे और आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया है, तो आप एक इंटरव्यू लिखेंगे विद द स्टूडेंट फॉर योर न्यूज़पेपर। तो गाइस जितना मुझे याद आ रहा है इंटरव्यू के बारे में भी आपके सारी मटेरियल में कंटेंट है, आप समझिए कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट देखिए इस वीडियो में ताकि ज़्यादा लेंथी ना बने। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पर आप सैम्पल आंसर्स भेज के चेक करा सकते हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अ लेटर फ्रॉम पिताजी टू कालीराम टेलिंग हिम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री दैट हिज सन शुड कंटिन्यू टू स्टडी इन द स्कूल एंड मेनी अदर्स लाइक हिम शुड ऑल्सो स्टडी देयर। तो गाइज आपको एक लेटर लिखना है, कौन लिखेंगे, पिताजी, नरेटर के जो पिताजी हैं, किसे लिखेंगे, कालीराम को जो हेडमास्टर हैं जिन्होंने उनको धमकियाँ दी हैं, ठीक है, और वो लेटर में क्या लिखेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो उनके सन को पढ़ने दिया जाना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे देश के भविष्य के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि सभी को पढ़ने दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि अगर दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। एंड मेनी अदर्स लाइक हिम शुड ऑल्सो स्टडी देयर, यानी कुल मिला के जो दलित कम्युनिटी या अदर जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने दिया जाना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू एजुकेशन, उनका भी हक है कि वो पढ़ाई करें। लास्ट क्वेश्चन है एज पार्ट ऑफ एन NGO यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स टुडे एज कम्पेयर्ड टू द 1950s. Write a report of your findings and your proposals for action to the director of the NGO. Guys, once again, report writing के बारे में आपके सारी material में given होगा, ठीक है, आपको कैसे लिखनी है। जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि आपके सारी material में दो formats भी given है, ठीक है। तो आप एक NGO से संबंध रखते हैं और आप एक survey कर रहे हैं, इस question में लिखा है survey किस पर है कि caste discrimination कितना होता आ रहा है schools में आज इन कंपेरिजन टू द 1950s। तो यहाँ से गाइज आपको पता लग गया होगा कि ये जो नरेटर अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं ये 1950s का ज़माना था और अभी आप कंपेयर करेंगे कि आज के वक्त में स्कूल्स में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है, होता है तो किस हद तक होता है, आपकी क्या क्या फाइंडिंग्स थी और जो फाइंडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड आप प्रपोजल्स फॉर एक्शन लिखेंगे कि ये किया जाना चाहिए ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन अब अगर हो रहा है तो उन्हें कैसे करेक्ट किया जाए, और आप कंपैरिजन भी करेंगे 1950s से ये जो पैसेज में स्टोरी है, ये जो रियल लाइफ ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रू टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये 1950s में बेस्ड थे। गाइज ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। गाइज मुझे लगता है वीडियो लेंथी हो रही है तो अब एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें बाकी के दोनों क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कर सकते हैं या इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। वंस अगेन आपको ऑफलाइन मोड में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया है वो मैं दिखाना चाहूँगा दोबारा, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है ये फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन 3 hours and 30 minutes लिखी है, आप ये मान के मत चलिएगा कि आपको भी 3 hours and 30 minutes मिलेंगे क्योंकि आइडियली ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 3 hours। वंस अगेन मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन है वो 3 hours का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप इस वीडियो के बेसिस पे ये नहीं बोलेंगे कि हमको ऐसा लगा कि 3 hours and 30 minutes हो सकता है। आप पैटर्न समझिए, पार्ट ए में आपको 5 questions गिवन है, आपको कोई 3 करने हैं, फटाफट क्वेश्चंस ही पढ़ लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं, डायरेक्टली बुक में से क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन गाइस आपकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, उसके मेरिट्स यानी एडवांटेजेस एंड डी मेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं। 10 marks का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि वर्ड लिमिट आपको कितनी होनी चाहिए, आपकी कितने पेजेस आपको लिखने हैं वो भी ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखें बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखें, 10 marks के हिसाब से लिखें। सेकेंड है ऑडियो विजुअल एड्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है।
And then fourth question is mechanical barriers to communication. Once again, guys, ये second unit में से लिया है. और fifth question भी haptics, as in the language of touch, जो कि non-verbal communication में आता है. ये भी second unit का topic है. इनमें से कोई आपको तीन questions करने हैं. One question carries 10 marks. उसके बाद आपको मैं गाइज ये पार्ट बी में दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. हालांकि इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये अनसीन पैसेज है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ये देखिए, और ये जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी में, आपको कोई तीन क्वेश्चंस करने हैं. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं. और क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें दो पार्ट्स हैं. पहला क्वेश्चन में 5 मार्क्स का है, सेकंड बी पार्ट कैरीज 10 मार्क्स. एंड देन यू हैव सेवन क्वेश्चन विच कैरीज 15 मार्क्स. तो बेसिकली पार्ट बी में से भी आपको कोई तीन क्वेश्चंस करने हैं. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं पार्ट बी में, ये सारे 15 मार्क्स के हैं. तो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. द रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर्स आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग देम इन अनदर वीडियो. And if you like the video, please subscribe to the channel, and thank you for watching.